भाई ये नजारा है जमाए राजा की सासू मॉम की विदाई का। भाई सास बहू और बेटियां जब पहुंचा जमाए राजा के सेट पर, तो हमने बेटियों की विदाई तो कई बार देखी है, लेकिन जमाए राजा के घर से पहली बार देखने को मिली सासू मॉम की विदाई। भर आई आंखें, छलक गए आंसू। सासू मॉम की विदाई। She is beyond set, my friendship with her, and I'm not gonna miss her. Because you miss people who have gone away, so she's not away. She's like 5 kilometers away from me. Yeah. आई एम गोइंग टू मिस देम। मेरा पूरा दिन इनके साथ जाता था, और मैं पूरे दिन में ना खाने के वक्त खाली होते थे तो पटर 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 एक दूसरे के कमरे में बैठ के बातें करते रहते थे। वी कन्फाइडेड अ लॉट इन ईच अदर। जमाई के सेट से डीडी की विदाई कुछ यूं हुई कि पूरा का पूरा सेट इमोशनल हो गया। No, I also, I am a very emotional person. की आँखों में पड़ रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि अब मैं वही कह रही हूँ ना, जब मेरा लास्ट होगा ना शॉट, पता नहीं फिर क्या होगा, घर पहुँच के होगा, यहाँ होगा, but yeah, it's not. But I have really earned a friend for life in a champion. आज डीडी का आखिरी दिन है सेट पर और आखिरी शॉट भी, लेकिन उनके को-स्टार्स के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं। हमेशा आपने वो सास बहू का ही इक्वेशन देखा है। मैंने जितना भी टीवी सैंपल किया है, मैंने कभी सास और जमाई का इक्वेशन उस पर कोई प्रॉपर ट्रैक या उसको एक्सप्लोर कभी किया नहीं, तो ये इक्वेशन तो मेरे ख्याल अचिन मैम के बाद आई वेरी सैडली एंड रिग्रेटफुली से दिस, बट यू वोंट बी एबल टू सी दिस इक्वेशन इन जमाई राजा अगेन। जमाई की दुनिया में डीडी का ये आखिरी शॉट था। शॉट मुश्किल था, लेकिन कट कहना और पैकअप करके घर लौटना उससे भी ज्यादा मुश्किल। दरअसल डीडी के कैरेक्टर का आज दी एंड हो रहा है, और डीडी को इसके लिए मरना होगा, और इसीलिए आज ये जबरदस्त ट्विस्ट शूट किया जा रहा है। I think it's a very nice way of doing it, because usko hamesha DD ka jo basic DNA tha jo shuru se tha ki there is nobody more important to her than her daughter. Daughter's happiness, daughter's life, everything to do with her daughter. And I like the idea that sirf apni beti ko bachane ke liye aur taki wo uske sath khush rahe mere damad ke sath, whom I really love, and she is ready to die. I think that's the best culmination for this character. जमाई राजा के सामने सबसे बड़ा सवाल है, किसे बचाएं? एक तरफ रोशनी और दूसरी तरफ उनकी सासू मॉम। दो जिंदगियों के बीच झूलते जमाई राजा के सामने इस सवाल ने दस्तक दी, तो उन्होंने किसी एक को नहीं चुना, दोनों की जिंदगी की डोर थामे रहे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुविधा ही खत्म हो गई। डीडी ने खुद ही इस मुश्किल सवाल का अपनी बलि देकर हल निकाल दिया। अब कौन बुलाएगा जमाए राजा को, किसको मिलेगा सासू मॉम का प्यार? अरे हाँ यार, वो तो मतलब मेरे ये लेफ्ट गाल को आदत पड़ चुकी है, इनके मतलब परमानेंट फिंगरप्रिंट्स होंगे इसके, अगर आप स्कैन वैन करो तो उसको कहीं ना कहीं। हाँ यार, थप्पड़ मारने कोई नहीं, मैं ऐसे पर्सनल लाइफ में मारूंगी जब मिस करेंगे हम एक आदमी। खैर, डीडी की जमाई राजा के घर से अब फाइनल विदाई हो चुकी है, लेकिन सीरियल्स की दुनिया में किसी करेक्टर का आना जाना तो लगा ही रहता है। यू नेवर नो, डीडी थोड़े दिनों में फिर लौट आए। पर ये होगा यार, कम ऑन, मतलब मैं भी अभी 5 साल रही हूँ यहाँ पे, सो आई नो व्हाट हैपेंस। सो इट्स माय 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, आफ्टर 6 मंथ्स आई विल सी यू इन ऑन द शो। देखा, रोशनी को भी यही लगता है जो हमने आपसे कहा। अब देखते हैं डीडी के दर्शन हमें कब होते हैं। शांतनु भटनागर, मुंबई आज तक।